अस्सलाम वालेकुम जी, अच्छाम राजपूत आपके सामने हाजिर है जी। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल पे जो भी नए व्यूज हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब कर दिया करो यार। अच्छा जी, मौसम के हवाले से ये आपको नई अपडेट बताता हूँ जी कि मौसम बिल्कुल साफ है, ठंड हो रही है, ठीक है, तो बारिश का कोई इम्कान नहीं लग रहा। तो छाता वगैरह मैं साथ नहीं लेके जाता जी, कोट वगैरह पहन के जाऊंगा, छाता नहीं लेके जाता। तो आज साथ में ऑफिस की तैयारी कर रहा हूँ जी, तो ऑफिस पहुँच के रास्ते में जो भी होता है वो आपके साथ शेयर करते हैं जी। जी तो मैं ऑफिस पहुंच आया हूँ। रास्ते में इतनी तेज़ बारिश लगी है, इतने बड़े बड़े ओले गाड़ी पे पड़े थे। घर से जिस वक्त निकला तो मौसम बिल्कुल साफ था, कोई बारिश नहीं थी, तो अचानक एकदम से बारिश स्टार्ट हुई और इतने इतने बड़े ओले पड़ने शुरू हो गए। मैं घर से छतरी नहीं लाया आज, क्योंकि घर से जिस वक्त निकला तो मौसम बिल्कुल साफ था। बारिश की वीडियो इसलिए नहीं बना सका, ओलों की वीडियो इसलिए सही तरह नहीं बना सका कि मेरे पास आज छतरी नहीं थी, तो अगर मैं सेल फोन निकालता तो वो सारा गीला हो जाता जी। आज 6 मई 2023 है, ठीक है, मई के महीने में अच्छी खासी गर्मी हो जाती है। कल आपने देखा था कि मैंने जब गाड़ी में बैठा था तो मैंने गाड़ी का एसी ऑन कर दिया था, कल अच्छी खासी गर्मी हो गई थी और बारिश होने की वजह से एकदम वेदर चेंज हो जाता है और ठंड हो जाती है। ये देख सकते हैं आप, मैंने कोट पहना हुआ है। बारिश होने की वजह से एकदम ठंड हो जाती है, विदाउट कोट या स्वेटर आप नहीं आ सकते, और जैसे ही धूप लगेगी तो एकदम मौसम चेंज हो जाएगा और एकदम गर्मी हो जाएगी, फिर मैं कोट भी उतार दूँगा। आज जिस तरह के ओले पड़े हैं तो इस तरह के ओले काफ़ी नुकसान का बाइस बनते हैं। अगर ये गाड़ी पे पड़े तो गाड़ी पे अच्छा खासा डंट पड़ जाता है, तो अल्लाह ताला ही अपनी सम्मान में रखे सबको। वेलकम टू माय होम जी, मैं घर वापस आ गया हूँ जी। आज क्या हुआ है आप महसूस कर सकते हैं, शायद महसूस करने वाले हों जी। आज इस तरह हुआ है जी कि सुबह जिस वक्त मैं उठा था तो मौसम बिल्कुल साफ था, ठीक है, बादल बिल्कुल नाम निशान नहीं था बादल का। मैंने कहा जी सर्दी थोड़ी बहुत हो रही है तो इस तरह करते हैं, छाता वगैरह नहीं लेके जाते आज, क्योंकि छाता लेके जाएं तो तंग हो जाता है, ये पकड़ 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 के ये जाना, ओहो। मैंने कहा जी छाते से अवॉइड करते हैं तो कोट पहन के जाते हैं। जैसे ही मैं गाड़ी में बैठा रिमझिम स्टार्ट हो गई, ऐसा ऐसा 3-4 दाने रिमझिम के गिरे और एकदम से ओले पड़ने लगे। ओहो हो, बिन बादल बरसात, आहा, आज बिन बादल बरसात बरसी है जी। आपका भाई है इसलिए वीडियो नहीं बना सका कि आपके भाई के पास आज छाता नहीं था, ठीक है, वो सेल फोन अगर मैं निकालता तो मोबाइल में पानी चला जाता और मोबाइल ख़राब हो जाता, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना सकता। तो गाइस आज कोई इस तरह का इंसिडेंट हुआ है। अभी मूड बन रहा है क्या खाने का, क्या तरबूज खाने का, तो चलें जी चलते हैं तरबूज लेने के लिए, देखते हैं आज हमारी लक कैसी निकलती है जी। तो तरबूज लेने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं अपना बाइक, ठीक है जी, तो करते हैं जी बाइक को स्टार्ट।
ओहो, लगता है ये भाई लेके आया तो उसने चाबी आ नहीं रखी हुई थी। ये बाइक हो गई है स्टार्ट। ये बाइक हो गई जी हमारी रेडी। और मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि लोकल ट्रैवल के लिए हमेशा बाइक का इस्तेमाल करें, लॉन्ग रूट के लिए बाइक का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। तो जनाब बाइक हो गई हमारी रेडी, अब चल के देखते हैं हमारी लक में कैसा तरबूज निकलता है। वो आपने मुहावरा तो सुना होगा, अंगूर खट्टे हैं, ठीक है, देखते हैं वो वाला काम तो नहीं होता। जी बाइक है हमारी रेडी और चलते हैं जी तरबूज लेने के लिए। हमारे मोहल्ले में माशाल्लाह आप हाल देख सकते हैं, यहाँ पे लाइट का नामो निशान नहीं है। ये तो बाइक की लाइट लगी हुई है, तब आपको लाइट नज़र आ रही है। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह तारीके में डूबा हुआ है ये सारा इलाका। पहले ये होता था कि स्ट्रीट लाइट हर मोहल्ले में हर गली में होती थी, आजकल हुकूमत के पास इतने वसाइल नहीं है कि वो इतने इनके चार्जेस पे कर सके, तो स्ट्रीट लाइट हो गई है बंद, तो बाइक की लाइट पे करते हैं गुजारा। तो लेट्स गो जी। जी तो मैं पहुँच आया हूँ जी शॉप पे। आप भी कहते होंगे कि बार बार ये इसी शॉप पे क्यों आता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से सारी चीज़ें अच्छी मिल जाती हैं। तो मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, मेरी दौड़ बस फ्रूट के लिए यहाँ तक की होती है। चले आए देखते हैं जी, यहाँ तरबूज लेते हैं फिर। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। आपने तो आज पहली तरबूज निकाल ली है जी। बहुत अच्छा तरबूज है। अच्छा, बहुत मजे का। मजे का है, बहुत मजे। अच्छा, आपको कैसे पता चलता है कि ये रेड है या व्हाइट है? टक टक आवाज कर रहा है, टक 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 टक। अच्छा टक टक, हाँ ये वाले। अच्छा ये किसकी, किस तरह किलो, किस तरह है? 40 रुपए किलो। अच्छा चलें जी, पाकिस्तान में तरबूज जो है वो सस्ता है, बाकी सारी चीजें महंगी है। आपका पूरा 220 रुपए का, 220 रुपीज। अच्छा माशाल्लाह, आप तो इंग्लिश भी बोल लेते हैं जी। वाह जी वाह, चलें जी टक लगाएं जी, किस्मत आजमाएं। चलें जी हम लग देखते हैं जी हमारी लग कैसी। वैसी इन्हें बड़ा तजर्बा होता है जी, ये जितने भी तरबूज लाते हैं इनको बड़ा तजर्बा होता है। लाल है जी, लाल है। चलें जी देखते हैं जी, लाल है। साथ में भाई खड़े हैं, वो भी कह रहे हैं लाल है लाल है। चलें ये देखते हैं लाल। चलें जी माशाल्लाह जी माशाल्लाह, लाल है जी लाल है। इनके फेस के एक्सप्रेशन भी देख सकते हैं, जब लाल निकलता है ये बड़े खुश होते हैं, स्माइल करते हैं। पाकिस्तान में सिर्फ एक तरबूज ही सस्ता है ना, बाकी तो अभी आप मेहरबानी करना यूट्यूब शेयर नहीं करना। अच्छा यूट्यूब शेयर ना करूं? ना ना शेयर नहीं करूं। अच्छा ये कहते हैं जी यूट्यूब शेयर ना कर। वेलकम टू बैक जी। देखा तो आपने मेरी लक कैसी है, मेरी लक माशाल्लाह बहुत अच्छी है। मेरा तरबूज आज फिर मज़े का निकला है और तरबूज खा के बड़ा मीठा लगा है, बड़ा अच्छा था तरबूज। तो आप तमाम व्यूअर्स से भी ये कहता हूँ जी कि गर्मियों में जितना हो सके तरबूज खाया करें, ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। तो आज का व्लॉग यहाँ पे ख़त्म करते हैं जी। जी कल इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ, एक नए फ़न के साथ हाज़िर होंगे जी। जिन हज़रात ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वो रेड वाला एक निशान आ रहा होगा, बस उसको प्रेस करना है, प्रेस कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी, कल इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।